तो अभी हम देख रहे हैं कि स्विच स्टेटमेंट को नंबर को टेस्ट करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। तो याद रहे कि यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें टीवी मॉडल के हवाले से कुछ है कि एक कंपनी है जो कि टीवी बनाती है और उनके टीवी के मॉडल जो हैं 100, 200, 300 मॉडल है। अब कस्टमर को इनपुट लेना है कि उसको कौन सा टीवी चाहिए, तो इसके लिए इंटीजर मॉडल नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी कि होल नंबर को। उसके बाद यहाँ पे सी आउट करके आवर टीवी कम से कम मैसेज नज़र आएगा और यहाँ पे 100, 200, 300 की चॉइस दी जाएगी। जिसके बाद जब यूज़र सी इन करके डेटा को इनपुट करेगा तो वो सी इन वाला फंक्शन जो भी यूज़र 100, 200, 300 की जो वैल्यू इनपुट करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। अब इस वेरिएबल को जब वो स्टोर कर लेगा तो फिर हम इसको चेक कराएंगे स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए। तो हमने एक मैसेज दिखाया दैट मॉडल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, इस मॉडल में क्या फ़ीचर है 100 वाले में, 200 वाले में, 300 वाले में। तो स्विच करके हमने देखे उसी तरह से जैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में कैरेक्टर वाले वेरिएबल को इसमें रख दिया था, इसमें इंटीजर वेरिएबल को भी हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर रख देना है। और फिर जो जितने किस्म के आउटपुट बनाने हैं ये इसकी स्विच की मेन ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर उतने केस बनाएंगे। अब याद रहे कि जब हम सिंगल कैरेक्टर को टेस्ट कर रहे थे तो सिंगल कोट में कर रहे थे, क्योंकि ये इंटीजर लिटरल्स या कांस्टेंट जिनको हम कह सकते हैं, इंटीजर लिटरल भी कह सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट भी कह सकते हैं, उनको हम जब टेस्ट कर रहे हैं तो उनको विदाउट सिंगल कोट लिखेंगे डायरेक्टली। केस 300, अगर कोई 300 की वैल्यू डालता है तो ये वाला कोट चलेगा, ठीक है, और अगर 200 की वैल्यू डालता है तो ये वाला कोड चलेगा, और 100 की वैल्यू डालता है तो ये कोड चलेगा। अब इसमें आपने एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जो है 300, 200, 100, 300 में नहीं है, 200 में नहीं है, 100 में है ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिए, चाहे तो थोड़ा सा गेप ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में अगर 300, 100 से हट के कोई वैल्यू डालेगा तो डिफ़ॉल्ट वाला कोड चलेगा जो कि ये होगा, ठीक है। ओके, अब रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हमसे कह रहा है अपना प्रोग्राम को सेव कर दें। हम यहाँ पे क्लास को 17 स्विच स्टेटमेंट कंडीशन स्विच स्टेटमेंट विथ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स को चेक कर रहे हैं। ओके, रन किया प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम अब रन होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें एक एरर आ गया है, कह रहा है कि ये कुछ आपने लिख दिया इसके अंदर, तो मैं देखता हूँ क्या एरर क्या है यहाँ पे। रिटर्न जीरो सिस्टम पास इंटर, ठीक है, और कह रहा है कि सी आउट की स्पेलिंग कहीं पर गलत लिखी गई है, सी आउट लेस देन सी आउट तो सही है। ऊपर देख लेते हैं, लाइन नंबर 32 पर एरर बता रहा है, 32 पर क्या एरर आ सकता है, एक मिनट सी आउट को हटा ही देता हूँ मैं। ओके, सिस्टम पास ब्रैकेट्स देख लेते हैं ज़रा, हमारा मेन फंक्शन का ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पे एंड हो गया एक्स्ट्रा ब्रैकेट। तो यहाँ पे रिटर्न जीरो भी आ गया, उसके प्रोग्राम के साथ ये भी आ गया। अब चलाते हैं इसको आगे प्रोग्राम को, तो ये एरर हमारे प्रोग्राम के रिमूव हो गए। अब देखते हैं इसको, तो हम जैसे ही पहला वाला कोड डाल रहे हैं 100, तो 100 की वैल्यू इनपुट करी, तो आपने देखा द मॉडल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स रिमोट कंट्रोल, जो 100 वाला है तो उसके अंदर रिमोट कंट्रोल का फीचर है, बिल्कुल सही कोड हमारा परफॉर्म हुआ है, ये वाला कोड और ये वाला कोड परफॉर्म नहीं हुआ, ना डिफ़ॉल्ट वाला कोड परफॉर्म हुआ है। अब चलते हैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं F11 करके, और इसमें आप देखते हैं कि अब हम डालेंगे 300, अकॉर्डिंग टू 300 अगर हम डालते हैं तो ये वाला कोड रन होना चाहिए। तो 300 का कोड पुट कर दिया हमने, एंटर किया, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक और मसला आ गया कि ये कह रहा है कि अगर आप 300 वाला लेते हैं तो उसके अंदर पिक्चर इन पिक्चर का फीचर भी है और स्टीरियो साउंड भी और रिमोट कंट्रोल भी है। अब आप समझें प्रोग्राम को, क्या ये प्रोग्राम गलत है या सही है, तो इसका जवाब ये है कि ये प्रोग्राम जिस नोयत से बनाया गया है ये सही है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें, तो इससे क्या होगा, देखें इस प्रोग्राम का कुछ मोटिव यूँ है कि अगर कोई शख्स 100 वाला मॉडल लेता है जो कि पुराना मॉडल है, तो उसमें सिर्फ उसको जो फीचर मिल रहा है टीवी में वो रिमोट कंट्रोल मिल रहा है, लेकिन अगर वो 200 मॉडल लेता है, लाजिमी बात है प्राइस इसका ज़्यादा होगा, तो उसको दो फीचर मिलेंगे, एक स्टीरियो साउंड भी मिलेगा और रिमोट कंट्रोल तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 100 वाले मॉडल में जब रिमोट कंट्रोल था, तो जब उसका नया मॉडल आया 200 वाला, तो उसमें रिमोट कंट्रोल का तो फीचर ऑलरेडी था ना, तो उसमें उन्होंने टी स्टीरियो साउंड का फीचर, तो उसमें दो फीचर मिलेंगे इसको, तो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट को इधर रखा गया है, ठीक है। और अगर वो 300 वाला मॉडल लेता है, वो जो कि इन दोनों से एडवांस है, तो रिमोट कंट्रोल वाला फीचर भी उसमें है, टी स्टूडियो वाला फीचर भी इसमें है, और पिक्चर इन पिक्चर वाला भी फीचर उसके अंदर मौजूद है, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ रखा गया है, तो उसको ये तीनों फीचर मिलेंगे। समझाने का मकसद ये है कि आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल जब करेंगे जब सिर्फ आपको पर्टिकुलर कोड परफॉर्म कराना हो। अगर मैं ब्रेक यहाँ लगा दूँ तो क्या होगा, तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ लगा दी,
और ब्रेक स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी लगा दी। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा भाई कि जब वो 200 डालेगा तो उसको सिर्फ टी स्टोरियो का फीचर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इसको ये वाला डालेगा तो ये फीचर मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो ये जो हमारा प्रोग्राम की नोयत है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कोड गलत हो जाएगा। ये देखिए पिक्चर इन पिक्चर भाई, अब वो रिमोट और वाले जो फीचर हैं वो कहाँ हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को ऐसा बनाया गया है कि इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट में इसमें किया गया, क्योंकि अगर कोई कम से कम वाला लेता है तो उसको रिमोट कंट्रोल का फीचर मिलेगा, अगर 200 वाला लेता है तो उसको टी स्टूडियो साउंड का फीचर भी मिलेगा, और 300 वाला लेता है तो उसको ये तीनों फीचर। मतलब अगर इससे ही साबित होता है कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट केस के बाद नहीं लगाएंगे तो जो भी केस स्टेटमेंट ट्रू होगी वो तो कोड परफॉर्म होगा, अगर ब्रेक नहीं है तो दूसरा केस भी परफॉर्म हो जाएगा, अगर ब्रेक नहीं है तो तीसरा केस भी परफॉर्म हो जाएगा। जहाँ ब्रेक मिलेगा वो प्रोग्राम उसको वहाँ से निकाल के फिर बाहर भेजेगा, उसके नीचे वाले केस परफॉर्म नहीं होंगे। जैसे 100 वाले में सिर्फ यही परफॉर्म हो रहा है, ये परफॉर्म नहीं हो पा रहा। और अगर 200, 300, 400 से आगे का लिखता है कोई मॉडल, सपोज टू बी वो 400 कोई इनपुट कर देता है इसके अंदर वेरिएबल में, तो फिर इसमें आप देखेंगे कि उसके बाद वो डिफॉल्ट वाला कोड चल रहा है। यू कैन ओनली चूज द 100, 200, 300 मॉडल व्हाट यू वांट टू, द मॉडल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, यू कैन ओनली चूज द 100 to 300 फॉलोअर्स। तो इस तरह से ये आपको दूसरे तरीके से स्विच स्टेटमेंट को समझने का मौका मिला। ठीक है,